हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में है स्कीम के बारे में है ये लार्जली शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए दी जाने वाली एक प्रकार की स्कॉलरशिप है इसके बारे में भी जानकारी दी गई राज्यसभा को बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट स्टेटस है सेंट्रल सेक्टर स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब आप जानते हो ना सारा पैसा केंद्र सरकार देती है लो इनकम स्टूडेंट्स जो हैं शेड्यूल कास्ट के डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सोमी नोमैडिक ट्राइब्स के जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं या ट्रेडिशनल आर्टिशन हैं उन्हें मदद दी जाती है कि वो दूसरे देशों में जाकर पढ़ाई कर सकें ध्यान दीजिएगा स्पेसिफिकली मास्टर्स डिग्री एंड पी डिग्री ग्रेजुएशन के लिए पैसे नहीं दिए जाते ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की 30 परसेंट जो स्कॉलरशिप दी जाएगी वो महिलाओं को दी जाएगी बैचलर लेवल के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है जो लोग पहले किसी स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं या खुद के पैसे से पढ़ रहे हैं उनको कोई मदद नहीं मिलेगी जो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाला है उसके पहले ज़रूरी होता है कि उन्हें किसी फॉरन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा हो तो जिन लोगों को क्यू जो रैंकिंग होती है जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करती है जिन्हें 500 टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में से किसी में एडमिशन मिल रहा होगा उनकी स्कॉलरशिप को पहले कंसीडर किया जाएगा और उसके बाद बाकियों की स्कॉलरशिप पे चर्चा की जाएगी 60 परसेंट मार्क्स होने चाहिए जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसमें तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी थर्टी फाइव से कम एज होनी चाहिए सिलेक्शन ईयर में अप्रैल के महीने के पहले दिन यानी कि फर्स्ट ऑफ अप्रैल को और जो टोटल इनकम है फैमिली की वो आठ लाख ,00 से ऊपर नहीं होनी चाहिए